मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भूतिया मोटू। एक दिन की बात है, मोटू शामू हलवाई की दुकान पर समोसे खाने के लिए जा रहा था। शामू हलवाई मोटू को आता देखता है तो कहता है, लगता है आज भी मोटू मेरे सारे पैसे नहीं देगा। ये तो इसका रोज रोज का नाटक हो गया है। ये समोसे खाता है और खाते में लिखवा कर चले जाता है। अरे शामू भैया, मुझे 7-8 प्लेट समोसे दे दो। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके समोसों की। शामू बोला, अरे मोटू तुम कितने दिनों से मुझे टाल रहे हो, कब दोगे पैसे? मोटू शामू की बात पर ध्यान नहीं देता है और बड़े मजे ले लेकर एक पत्थर पर बैठकर समोसे खाने लगता है। अरे वाह वाह, बड़े मजे के समोसे बनाए हैं शामू भैया तुमने, मुझे तो मजा ही आ गया तुम्हारे समोसे खाकर। मोटू सारे समोसे खा लेता है और शामू के पैसे नहीं देता है और अपने घर पर चला जाता है। उसी रात कुछ गुंडे मोटू का पीछा करने लगते हैं और मोटू तेजी से वहां से भागने लगता है। गुंडे भी मोटू का पीछा करने लगते हैं और तेजी से भागने लगते हैं और मोटू के पास जाने लगते हैं। मोटू उन लोगों के हाथ में लग जाता है और वो लोग मोटू को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इतना मारते हैं कि मोटू के सर से खून निकलने लगता है और पूरे शरीर में खून ही खून नजर आता है। सुबह सभी लोग मोटू की लाश को देखने लगते हैं। उनमें से एक औरत कहती है, ये तो मोटू भैया है, इनको किसने मारा? आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है मोटू भैया से? मोटू भैया तो किसी का बुरा भी नहीं किए हैं, किसने मारा मोटू भैया को? मोटू को मारा था वो भी उन लोगों में शामिल था। वो लोग भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसी रात मोटू उस आदमी को भी मार देता है जो शामू के साथ शामिल था। मोटू उस आदमी को भी मार देता है और वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को एक और लाश मिलती है और वो लोग इस लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शामू भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। शामू हलवाई अपने घर में बैठकर बोलता है, मोटू ने उन दोनों को तो मार दिया, लगता है अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी मार देगा। उसी रात शामू हलवाई जंगल में एक तांत्रिक के पास जाता है। देखते ही देखते अचानक मोटू का भूत सामने आ जाता है। कहाँ जा रहा था शामू, अब तेरा क्या होगा, अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। अब मैं तुझे भी मार दूंगा। शामू हलवाई वहां से तेजी से भागने लगता है और मोटू का भूत भी उसके पीछे भागने लगता है। आखिरकार शामू हलवाई उसके हाथ लग जाता है और मोटू उस पर हमला करने लगता है। शामू हलवाई की उसी वक्त मौत हो जाती है। शामू हलवाई जमीन पर मरा पड़ा रहता है और तभी आसमान से एक रोशनी आती है और मोटू को मुक्ति मिल जाती है और मोटू वहां से अचानक ही गायब हो जाता है।